Welcome students. So we are studying about chapter 8 physical and chemical changes. हम लोग physical and chemical changes के बारे में पढ़ रहे हैं and in our last class we had discussed about physical changes, chemical changes and rusting के बारे में हमने पढ़ा था and how to prevent rusting. ये भी हमने पढ़ा था कि rusting कैसे होती है and हम rusting को कैसे prevent कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं rusting से. Clear students? So now come to the point, chemical changes. Chemical changes की बात करते हैं and we had studied that जब भी कोई chemical change होता है तो उसके पीछे क्या होता है, एक chemical reaction होता है. Clear? So today we will study about characteristics of a chemical reaction. Chemical reactions की कुछ characteristics भी होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ गैस. क्लियर? पहली चीज आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस. इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. कुछ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जिनमें गैसेस इवॉल्व होती हैं, रिलीज होती हैं बेटा. क्लियर? एंड इट कैन बी प्रूव्ड बाई, ये कैसे प्रूव होगा कि गैस रिलीज हो रही है, बाई इफर्वेसेंस और बबलिंग. मीन्स या तो हम उसकी हेल्प से कोई फ्लेम बर्न करें, क्लियर, या फिर बबलिंग. बबलिंग मीन्स उसे किसी लिक्विड से पास कराएं जिसमें वो बबल्स फॉर्म करें. गॉट इट? सो लेट्स सी, आई हैड रिटन सम एग्जाम्पल्स एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट. लेट्स कम टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. बेटा whenever calcium carbonate reacts with hydrochloric acid, it gives us calcium chloride plus H2O, means water. Okay? And it releases carbon dioxide. यहाँ से क्या होती है बेटा, CO2, carbon dioxide gas जो है वो evolve होती है. Clear? अब ये gas evolve तो होती है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि ये गैस इवॉल्व हो रही है? सो फॉर दैट देर आर टू वेज. फर्स्ट वे इज दैट कि हम इस CO2 को एक बर्निंग कैंडल या एक बर्निंग फ्लेम के पास से पास कराएं. क्लियर? सपोज कोई कैंडल बर्न हो रही है, हम CO2 गैस को पास करा देंगे. ठीक है? यदि कैंडल जो है वो बर्न करना बंद कर देती है, बुझ जाती है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि CO2 यहां से पास हो रही है. क्लियर? एंड सेकेंड थिंग इज कि हम इस गैस को किस में पास कराएं, यदि हम इसको लाइम वाटर में पास करा देते हैं. क्लियर? लाइम वाटर में पास कराते हैं तो ये लाइम वाटर जो क्या होगा, ये मिल्की टर्न हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूध के जैसा हो जाएगा. सो इट कैन प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. क्लियर? एंड इन सेकेंड थिंग, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करेंगे, इट गिव्स अस जिंक सल्फेट. एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, मीन्स रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. क्लियर? अब यहाँ पे कैसे हम प्रूव करेंगे? सो फॉर प्रूविंग दिस कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, वी हैव टू डू वन थिंग. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के पास ले आएंगे. क्लियर? उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड हमने मिक्स किया. क्लियर? जब जैसे ही हम बर्निंग मैच स्टिक ले आएंगे टेस्ट ट्यूब के पास, यदि वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है बेटा, तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न करेगी विथ पॉप साउंड के साथ. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट को बेटा जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, देन इट गिव्स अस सोडियम नाइट्राइड. सोडियम नाइट्राइड देगा प्लस ये ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. क्लियर? और ऑक्सीजन गैस बेटा जब लिबरेट होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्लोइंग स्प्लिंट होता है. सपोज कोई भी चीज़ जैसे कि ग्लो कर रही हो,
ठीक है, बर्न नहीं कर रही हो, हमने किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को इतना हीट कर दिया कि उसमें वो मेल्ट करने के जैसा हो गया, ग्लो कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा हो, चमकने लगा हीट की वजह से, उसको हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अगर ले करके आएंगे जिस टेस्ट ट्यूब में सोडियम नाइट्रेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया है, क्लियर, और वहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, वहाँ पे अगर हम लेके आते हैं तो जो ग्लोइंग स्प्लिंट है बेटा वो क्या करेगी, वो बर्न करने लगेगी एक फ्लेम की तरह, क्लियर। एंड दिस कैन प्रूव दैट ऑक्सीजन गैस लिबरेट्स ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट, गॉट इट। सो दिस ऑल थ्री एग्जाम्पल्स प्रूव दैट गैस इज बींग इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर। इन तीनों एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कलर, कलर्स में भी चेंज होता है बेटा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज हमने लिया कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट बेटा ग्रीन कलर में होता है, क्लियर। व्हेन इट इज स्ट्रांगली हीटेड, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे इट गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड दैट इज ब्लैक इन कलर, अ रेजिड्यू। यहां पे क्या होगा, एक रेजिड्यू ये छोड़ देगा, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर में होगा एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट भी करेगी, इवॉल्व भी होगी, क्लियर। सेकेंड थिंग इज अबाउट लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट बेटा जो कि व्हाइट कलर का होता है, एंड जब लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, लेड मोनोऑक्साइड मिलेगा बेटा जो कि येलो कलर में होता है, एंड इसके साथ साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ये गैस भी रिलीज होगी, क्लियर, एंड ऑक्सीजन गैस ऑल्सो इवॉल्व, क्लियर। सो टूडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच आई हैड टोल्ड यू अबाउट इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, गॉट इट। सो इन अवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्लियर बेटा। सो दिस इज ऑल फॉर टूडेज क्लास, थैंक यू।